हम वंस अगेन टू माई चैनल रोबस्ट बाजार। आज हम बात करने वाले हैं जेपी पावर स्टॉक के ऊपर। अब जेपी पावर में आपने आज के दिन देखा 7.85 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है जेपी पावर की। तो यहाँ पे आप जेपी पावर को एक अच्छे लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इसको आप स्टॉक को ख़रीद सकते हैं। स्टॉक में 1.30% की आज एक अपसाइड मूवमेंट देखने मिली है जेपी पावर में। अब यहाँ पे आपकी अगली रणनीति क्या बनेगी, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कई बार स्टॉक अप्स एंड डाउन हुआ, और स्टॉक में अगर हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल इसी स्तर से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी, तो स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए ऊपर की तरफ निकलेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप अगर इसकी ख़रीदारी कल के दिन करना चाहते हैं तो इस स्टॉक में अगर 740 या 745 के आसपास ये स्टॉक दिखाई देता है जेपी पावर, तो यहाँ से आप जेपी पावर को ख़रीदारी कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट इसमें 8.72 रुपये, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे 9.38 रुपये तक के जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म का नज़रिए रखेंगे अगर जेपी पावर में, तो ये स्टॉक काफ़ी बेहतर नज़र आता है फॉर द लॉन्ग टर्म ओनली। अगर आप शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देख रहे हैं तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म में इसमें कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बन सकती कि जिसमें आपको एक दिन में 1 से 2 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाए। ये स्टॉक काफ़ी छोटा है, तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया बनाएंगे तो इस स्टॉक में काफ़ी लंबी एक उछाल देखने मिलेगी। तो जेपी पावर में आप ख़रीदारी कर सकते हैं 740 के आसपास, और लॉन्ग टर्म के टारगेट्स अगर आप देखा जाए तो 1 से 2 महीने का अगर टाइम पीरियड लें तो ये 8.80 रुपये के आसपास, और फिर उसके बाद ये 9.38 रुपये के आसपास तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखाएगा। मे बी पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है इसमें 10 रुपये के ऊपर भी। तो आप जेपी पावर में करंट लेवल से ख़रीदारी कर सकते हैं। तो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया गया था, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लें। थैंक यू सो मच।